ह्यूमन डेवलपमेंट सारे चेंजेस एक पैटर्न में हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, बढ़ रहे हैं आगे ऑर्डरली एक मैनर में है एंड प्रिडिक्टेबल, हम पता कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, प्रिडिक्टेबल है। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्डरली मतलब उसी ऑर्डर में आगे बढ़ना है, स्किप नहीं करना है, स्किप होता भी नहीं उसमें, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे क्या होने वाला है। चेंजेस दैट बिगिन एट ए कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, मतलब शुरुआत से शुरू होकर थ्रू आउट द लाइफ ये चेंज होते चले जाते हैं, ये सारे डेवलपमेंट हैं। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व करता है चेंजेस बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। देखो डेवलपमेंट यही नहीं कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें डिक्लाइन भी हो रहा है, ह्यूमन में डिक्लाइन हो रहा है, जैसे कि ओल्ड एज में, तो वो भी डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ रहा है। हमें एक चेंज की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वो ग्रोथ भी है डिक्लाइन भी है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई एन इंटरप्ले, ये इंटरप्ले है किसका, बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, इमोशनल हैं, सोशल हैं, कॉग्निटिव हैं मतलब इंटेलिजेंस रिलेटेड हैं, बायोलॉजिकल मतलब फिजिकल बेसिस पे, शरीर के बेसिस पे जो चेंजेस चल रहे हैं वो इंटरप्ले करते हैं डेवलपमेंट में, आपस में एक दूसरे का लेवल बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं, और यही डेवलपमेंट होते रहते हैं। द प्रोसेस आर इंटरवोवन, आपस में एकदम बंधा हुआ है, उलझा हुआ है, एंड अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज ए होल। तीन चीज़, बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस, ये तीन चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन, जब से जन्म लेते हैं, जब से शुरुआत से कॉन्सेप्शन से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें चलती रहती है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ग्रोथ भी है डिक्लाइन भी है, इसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है।